का। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी का और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है, प्लीज बैठिए। सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए, यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर, उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोलो। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं तो उसका कारण महिला है, यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया, आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम वर्षों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरीयसी यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक की सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की कि उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में, स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण है। और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है, यही समय है। और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं, और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। सर मैं पढ़ रहा था, काफी बातें कही, मैं केवल दो तीन चीजें बताना चाहता हूं, फिर अपने विषय पर आऊंगा सर। ये देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल 82, मनीष तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, कल से लगातार वो संविधान 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 की बात कर रहे हैं। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। ये देश संविधान से चलता है,
मैं आर्टिकल 243 डी और टू आर्टिकल 243 टी, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन यह आर्टिकल में 243 डी और 243 टी हमने तो नहीं दिया, आप दोनों को पढ़ लीजिए। 243 डी और टी क्या, पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा, आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा, परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टेप डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर? इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर, वो स्पीकर 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 कह रहा है, ये 82 कह रहा है। सर पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। इस पार्लियामेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर? लोकसभा, राज्यसभा, लॉबी, सभी जगह सांसद बैठकर कानून पास करते रहे। भाई मरता था तो भाई का लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था, पिता मरते थे तो पिता का लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। उस कोरोना से बचकर हम आए हैं 2 साल के बाद, आपका तो आपने क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं कराया? कितने लोग थे जो रोड पर घूम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगह के ट्रेन बंद थे, सारे जगह की स्थितियां बंद थी, भागलपुर पूरा जो है भारत जो है किस तरह के विकट परिस्थिति में था सर। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को बचा के लाए हैं, और सेंसस जो संवैधानिक चीज है उसको जब हम लागू करेंगे तो ये लागू होगा। आज आप कह रहे हो क्यों नहीं लागू किए, देश में फिर से ये गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 2020 और 21 के माहौल के बाद, कोरोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था, कैसे सेंसस हो सकता था? और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। यही तो इस बिल में 334 से जिसके बारे में कि माननीय कानून मंत्री जी कह रहे थे सर। लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था।
आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी, मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा वो आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधान परिषद विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारा बिल है? ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं? ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? दूसरी बात जो है, ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं, और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में दो बार, संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल इधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सर। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर, यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलासपुर तेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बसते, आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की। और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे इनके सारे मुस्लिम एमपी हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है सर। और उन्हीं के दबाव में ये कानून के विरोध में जाकर, इस संविधान के विरोध में जाकर, और उसके सारे उदाहरण है कि 96 से लेके आज तक क्यों नहीं लागू हुआ, उसी के कारण ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, राज्यसभा में जो है उसको अधिकार देने की बात करते हैं, विधान परिषद में क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया उसकी बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कि 2024 से क्यों नहीं लागू होगा। इनको सब कुछ पता है, ये देश संविधान से चलता है,
हम एक गरीब परिवार के बेटे होकर इस पार्लियामेंट में आए हैं सर। जैसे मैंने बात कही कि मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। यदि बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, उस दिन भी मैंने कहा कि आपने गांव नहीं देखा है, गरीबी नहीं देखा है, महिलाओं की स्थितियां नहीं देखी है। आपने जो जो कानून पास किए वो महिलाओं के खिलाफ है। यदि 498 आपने पास किया जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उसमें से पुरुष से ज्यादा महिलाएं ही जेल में बंद हैं। डॉरी के केस में जिस तरह से आपने बनाया, आज यदि आपने कई एक कानून ऐसे पास किए हैं जिसमें लोग महिलाओं को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपने महिलाओं को रोकने का प्रयास किया, महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और हम जो बिल लेकर आए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इतिहास रचने जा रहा है, और ये जो ऐतिहासिक पल है, और स्पीकर साहब आपके जीवन का जो ऐतिहासिक पल है कि उस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, जिस पल में ये इतिहास बन रहा है वो केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम संविधान सम्मत काम करते हैं, और मेरा सबों से आग्रह होगा कि दल पार्टी से ऊपर उठकर जो यह संविधान आर्टिकल 82, 443D और 243T जिन आधार पर यह संविधान चलता है उसके आधार पर श्रीमती कनीमोजी जी।